दोस्तों, दुनिया भर में आपने अंडे तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी शार्क का अंडा देखा है? क्या आपने सुना है कि नीले रंग के अंडे भी होते हैं? और क्या आपको पता है कि किसी पक्षी का अंडा हरे रंग का होता है? जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में कई तरह के ऐसे जीव हैं जो अंडे देते हैं। वैसे तो हमें ज्यादातर सफेद रंग के अंडे ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ दुनिया भर के विचित्र और अनोखे अंडों को, जिन्हें अब से पहले शायद ही आपने कभी देखा या इनके बारे में सुना होगा। नंबर एक, क्लोन फिश। दोस्तों, क्या आपने सुना है कि कोई मेल मछली यानी कि नर मछली के रूप में जन्म लेती है और जरूरत पड़ने पर वह फीमेल यानी मादा मछली भी बन जाती है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। क्लोन फिश ऑरेंज कलर की होती है, जिनके ऊपर मोटी व्हाइट कलर की धारी होती है और यह 6 से 17 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। इन मछलियों की एक खास बात तो यह है कि यह मेन क्लोन फिश के रूप में ही जन्म लेती है, मगर जरूरत पड़ने पर यह खुद को फीमेल क्लोन फिश के रूप में कन्वर्ट कर सकती है। दरअसल होता यह है कि जब किसी फीमेल क्लोन फिश की मौत हो जाती है तो इस ग्रुप का सबसे प्रमुख नर क्लोन फिश खुद को मादा क्लोन फिश में कन्वर्ट कर लेता है। दोस्तों, है ना कमाल, एक फीमेल क्लोन फिश 100 से करीब 1000 अंडे तक दे सकती है और इनके अंडे 3 से 4 मिलीमीटर तक बड़े होते हैं। अंडे देने के 8 से 10 दिन के अंदर ही अंडे से बच्चे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। नंबर दो, सुरिनम टोडेक्स। वैसे मेंढक तो आपने कई प्रकार के देखे होंगे, लेकिन मेंढक की इस प्रजाति के बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दरअसल सुरिनम टोड्स दिखने में सूखे हुए पत्तों की तरह दिखाई देते हैं। यह मेंढक करीब 10 से 13 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं, मगर यह दूसरे मेंढकों की तरह मोटे नहीं होते बल्कि चपटे होते हैं, इसी वजह से अजीब दिखाई पड़ते हैं। इन मेंढक का रिप्रोडक्शन काफी अलग होता है, जहां दूसरे मेंढक अपने अंडों को पानी में छोड़ देते हैं, वहीं यह मेंढक अपने अंडों को अपनी पीठ के अंदर तब तक रखते हैं जब तक उनके बच्चे ठीक से विकसित होकर बाहर नहीं आ जाते। दरअसल होता यह है कि एक फीमेल सुरिनम टोड्स एक बार में 100 अंडे दे सकती है। अंडे देने के बाद नर मेंढक इन अंडों को मादा मेंढक के पीठ पर चिपका देता है और कुछ ही दिनों में मादा मेंढक की स्किन इन अंडों को कवर करने लगती है और धीरे धीरे अंडे मादा मेंढक के शरीर में चले जाते हैं। यह अंडे 3 से 4 महीने तक मादा की स्किन के अंदर ही रहते हैं, पर यह जब पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तो यह मादा की स्किन को फाड़कर बाहर निकल आते हैं, जिससे मादा मेंढक की स्किन पूरी तरह से खराब हो जाती है, पर कुछ ही दिनों बाद यह स्किन सही भी हो जाती है। नंबर तीन, शार्क। वैसे तो हम सभी शार्क के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी शार्क के अंडों को देखा है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि शार्क तो सीधे बच्चे को ही जन्म देती है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शार्क की 30% प्रजातियां अंडे भी दिया करती है। और अभी जो आप ये हल्के पीले रंग की थैलीनुमा सी चीज देख रहे हो, यह कुछ और नहीं बल्कि यह शार्क का अंडा है, जिसमें बेबी शार्क को हिलते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। शार्क पानी के अंदर किसी सुरक्षित और अंधेरी जगह पर एक वाटरप्रूफ बैग के रूप में अपने अंडों को छोड़कर वहां से चली जाती है। यह बैग काफी मजबूत होते हैं, जिससे कि शार्क की गैर मौजूदगी में कोई दूसरा जीव इनका कुछ नुकसान न कर सके। शार्क के ये अंडे 14 इंच तक बड़े भी हो सकते हैं, जिसमें बेबी शार्क को बाहर निकलने में करीब 8 से 12 महीनों का समय लग जाता है, जिसके बाद से बेबी शार्क को बिना किसी पेरेंट्स के अपना खुद से ही ध्यान रखना होता है। हालांकि शार्क के वह सभी अंडे इतने भाग्यशाली नहीं होते, क्योंकि कुछ तो समुद्र में होने वाली हलचल की वजह से अपनी जगह छोड़कर समुद्र किनारे जा पहुंचते हैं, जिसके बाद या तो वह धूप से सुलझकर खराब हो जाते हैं या फिर किसी इंसान के हाथ लगकर एक खिलौना बन जाते हैं। नंबर चार, रॉबिन एग्स। खूबसूरत सी दिखने वाली रॉबिन बर्ड एक दिन में एक ही अंडा देती है और यह लगातार 4 से 5 दिन तक ऐसा करती है। इनके अंडे नीले रंग के होते हैं, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होते हैं। इन अंडों से बच्चे बाहर निकलने में करीब 13 से 16 दिन का समय लगता है। इस चिड़िया का अंडा 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो कि इस चिड़िया के हिसाब से थोड़ा बड़ा होता है। नंबर 5, टीना माऊ। क्या आपने कभी आज से पहले इस पक्षी को देखा है? इसे देखना तो दूर, बल्कि आपने तो इसका नाम भी पहले कभी नहीं सुना होगा। और इसके पीछे का कारण है इस पक्षी का बहुत ही रेयर होना। यह पक्षी काफी शर्मिला होने की वजह से गोपनीय तरीके से रहना पसंद करता है, लेकिन अगर बात की जाए इनके अंडों की, तो इस पक्षी के अंडे काफी हद तक मुर्गी के अंडों से काफी मेल खाते हैं। बस फर्क होता है तो सिर्फ इनके रंगों का। यह पक्षी काफी अलग अलग रंगों के अंडे दिया करते हैं,
जिनमें ब्लू, ग्रीन, येलो ग्रे और यहाँ तक के ब्लैक कलर के अंडे भी शामिल हैं। और बाकी के पक्षियों से एकदम विपरीत इन पक्षियों में फीमेल अंडे देकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद से मेल बर्ड के द्वारा ही इन अंडों की देखभाल की जाती है। और मुर्गी के अंडों की तरह दिखाई देने की वजह से इन अंडों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो जैसे मुर्गियों के अंडों पर किसी इंसान ने अपने हाथों से रंग भर दिए हों। तो दोस्तों, ये थे धरती पर मौजूद कुछ अनोखे जीवों के कुछ असामान्य अंडे। और दोस्तों, आपको इन जीवों के अंडों में से किस जीव का अंडा सबसे अनोखा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।